नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आचार्य जागेंद्र मिश्रा। धनु राशि वालों, 7 मार्च, 8 मार्च और 9 मार्च यानी 2020, ये 3 दिन बहुत खास है आपके लिए। कुछ आपको ये 3 दिनों में मिलने वाला है, आइए हम आपको बतलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि चंद्रदेव आपके अभी अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं 7 तारीख को, और जब रात में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब जाकर 9वें भाव को आपके प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर चीज़ें आपके जो अभी तक फेवर में नहीं थी, वो सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। जब 9वें भाव में गोचर करेंगे 7 तारीख के बाद चंद्रदेव, तो माता पिता का आपका सपोर्ट मिलेगा और आपके परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा। खूबसूरत समय रहेगा। और यहाँ पर आपको 8-9 मार्च को जब आपके 9वें भाव में चंद्रमा जाएंगे, तो आप ये जो आपके 3 यानी कि 2 दिन रहेंगे 7 तारीख के बाद, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत समय रहेगा। वैसे तो धनु राशि वाले ये समझ लें कि जब आपके 9वें भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे तो आप गुप्त बात किसी को मत बताइएगा, और कोई भी निर्णय लीजिएगा तो बहुत सावधानी से लीजिएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं संभल के भी तो रहना है। आपके पिता का प्यार यहाँ पे मिल रहा है, उनका सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है आप कहीं धार्मिक कार्य के लिए यात्रा पर निकलें और अपने माता पिता के साथ में कहीं बाहर धार्मिक कार्यों के लिए, आप पूजा पाठ के लिए बाहर जा सकते हैं या दर्शन के लिए कहीं धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर यात्रा जरूर दिख रही है, थोड़े खर्च अधिक होंगे यहाँ पर, और ऐसे खर्चों में आप थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखें। आप अगर नौकरी करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो यहाँ पर चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन जब चंद्रदेव आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे 7 तारीख रात के बाद, तो यहाँ पर लॉटरी, जुआ, सट्टा वगैरह आपको यहाँ से लाभ होने की संभावना बनी रहेगी। अब ऐसे में सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको संतान का सुख भी मिलता नज़र आ रहा है। आपके इसमें भाग्य यानी आपका जब 9वें भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य आपका बहुत बेहतर साथ देगा। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको शिक्षा के मामले में जो भी चीज़ें चली आ रही थी, वो आपको उसमें सफलताएं मिलेंगी, पढ़ने में मन लगेगा और तमाम लोग भी आपका साथ निभाते नज़र आएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए तमाम चीज़ें हमने आपको बताई। और यहाँ पर शुक्रदेव भी चूँकि यहाँ से मेष राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। वाहन, हो सकता है वाहन का भी विचार आप कर सकते हैं, बाहर वाहन लेने के लिए आप मन बना सकते हैं, या आप कहीं वाहन से लेकर कहीं इंजॉय करने के लिए बाहर भी जा सकते हैं। आप अगर जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें आप प्राइवेट सेक्टर ही सही, आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, लेकिन यकीनन आपको लाभ होता दिखता है। अब इतना ही नहीं, बल्कि आप इसमें इंजॉय करते दिखेंगे, धन आएगा, जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि होगी और सबके साथ बहुत ही एक सफल पूर्वक लाइफ बिताते नज़र आएंगे। अब अगर आपकी लव लाइफ की बात करें, तो यहाँ पर आपको विवाह अगर करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक नया रिश्ता आ सकता है, बातचीत चल सकती है, लेकिन उस बातचीत का फ़ायदा उठाइए। आपको हम दाम्पत्य जीवन की अगर आपकी बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है आपको वैवाहिक जीवन यानी आपके दाम्पत्य जीवन में कोई वाद विवाद हो जाए, तो ऐसे में थोड़े अपने वाणी पर संयम बनाए रखना है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जी अगर आपके इसमें थोड़ी सी दे रहे हैं कृपा दृष्टि, चूँकि अभी वो यहाँ पर धनु राशि में हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट थोड़ा सा हल्का मिलेगा वैवाहिक जीवन में। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको बृहस्पतिवार के दिन थोड़ा सा चना और उसमें किशमिश डाल के और तांबे के लोटे में जल डाल के थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, और केले को स्नान कराना है बृहस्पतिवार के दिन, तो ऐसे में आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और जो नुकसान होता है और बिजनेस में अगर मान लीजिए कोई नुकसान हो रहा है, इन सभी चीज़ों से भी अगर आप चाहते हैं कि इनमें भी आपको ज़्यादा लाभ मिले, तो आपको क्या करना है कि हमेशा एक्टिव बने रहना है, ईमानदारी से काम करना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय या फैसला ना करें, क्योंकि इन चीज़ों में अगर करते हैं, अगर जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, तो आपके व्यवसाय में कहीं ना कहीं धन हानि के भी योग बनते नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों,
कैसा लगा आज का राशिफल, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए। जय शनिदेव।